प्रिय दर्शकों, आपका अपने YouTube चैनल एम्स गिल इन्फोटेनमेंट में स्वागत है। आज हम आपको भाई दयाला जी की जीवनी सुनाएंगे। भाई दयाला उन सिखों में से एक थे जो श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के साथ थे। जब उन्हें सम्राट औरंगजेब के आदेश पर मुसलमानों द्वारा प्रताड़ित किया गया और मार डाला गया। अन्य दो भाई मती दास और भाई सती दास थे। औरंगजेब भारत की पूरी हिंदू आबादी को मुसलमान बनाने और बलपूर्वक इस्लाम में शामिल करने के लिए दृढ़ था। कश्मीरी ब्राह्मणों और लाहौर के राज्यपाल के माध्यम से उसे मिले गुरु तेग बहादुर के संदेश से वह बेहद प्रसन्न था। उसने सोचा, सिखों के नौवें गुरु को हिंदुओं को धर्मांतरण के अपने अत्याचारी तरीकों से बचाने के विचार को दूर करने से रोकना मुश्किल नहीं होगा। उन्हें विश्वास था कि उनके विद्वान काजी और इस्लाम के विद्वान सिख गुरु को आसानी से मुसलमान बनने के लिए राजी कर लेंगे। विद्वान काजियों ने गुरु से हिंदुओं मूर्ति पूजकों का पक्ष लेने पर सवाल उठाया, जबकि उन्हें खुद मूर्ति पूजा में कोई विश्वास नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि इस्लाम सिख गुरुओं की तरह एक ईश्वर की पूजा का उपदेश देता है। इस्लाम ने मूर्ति तोड़ने वालों के लिए भी स्वर्ग का वादा किया है। काजी के तर्क और दलीलों पर गुरु तेग बहादुर का जवाब था, जो लोग बल और राज्य के प्रभाव का इस्तेमाल करके लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करवाते हैं, उन्हें कभी भी ईश्वर की कृपा नहीं मिल सकती। उन्हें भगवान के हाथों केवल निंदा और दंड की उम्मीद करनी चाहिए। हर किसी को अपनी आस्था के अनुसार पूजा करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हालांकि यह सच है कि वे लोगों को मूर्ति पूजा और कर्मकांड की निरर्थकता और एक ईश्वर की पूजा पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में शिक्षित करने की कोशिश कर रहे थे, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक के आगमन के बाद से लाखों हिंदुओं और मुसलमानों ने केवल उपदेश और अनुनय के माध्यम से सिख धर्म को अपनाया है। उन्होंने उनसे कहा कि वे सिख गुरुओं द्वारा इस्तेमाल किए गए तरीकों को अपनाने के लिए भी स्वतंत्र हैं, ताकि अन्य धर्मों के लोगों को मुस्लिम धर्म में शामिल होने के लिए राजी किया जा सके। जब इस्लाम के विद्वान काजी गुरु तेग बहादुर को अपने धर्म की सर्वोच्चता के बारे में समझाने में विफल रहे और उन्होंने पाया कि गुरु अपने धर्म के प्रति दृढ़ थे, तो उन्होंने उन्हें डराने की योजना बनाई। इस संबंध में उन्होंने भाईमती दास को एक बड़े आरे से दो टुकड़ों में काट दिया। जब भाईमती दास की उनकी आंखों के सामने क्रूर मृत्यु ने गुरु तेग बहादुर को भयभीत नहीं किया। भाई दयाला को लोहे की बेड़ियों से बांधकर चांदनी चौक ले जाया गया, जहां भाईमती दास को मौत के घाट उतार दिया गया। काजी ने उन्हें मुक्त करने और एक शानदार जीवन जीने की पेशकश की, अगर वह इस्लाम धर्म अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं या इनकार करने की स्थिति में एक यातनापूर्ण मौत। भाई दयाला ने हजारों दर्शकों के सामने भाईमती दास को दो जल्लादों द्वारा जिंदा आरे से काटने का भयानक दृश्य देखा था। उन्होंने खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से इसी तरह के व्यवहार के लिए तैयार किया था। उन्होंने काजी से कहा, यह मत सोचो कि भाईमती दास मर गए हैं। वह दयालु ईश्वर की गोद में खुशी से बैठे हैं और ईश्वरीय लोगों के दिलों में हमेशा जीवित रहेंगे। जल्दी करो और मुझे जल्दी से स्वर्गीय धाम पहुंचा दो, जहां भाई मत्रदास मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन मैं भी यही चाहता हूं कि मुझे भी अपने प्यारे गुरु के पिंजरे के सामने अपनी जान देने की इजाजत दी जाए। काजी के हुक्म से एक बड़ी देग निकाली गई। भाई दयाला को इस देग में बिठाया गया, पानी डाला गया और देग के नीचे आग जलाई गई। जब भाई दयाला ने गुरबानी पढ़ना शुरू किया तो देग में पानी उबलने लगा। काजी भाई जी को लगातार समझाते रहे कि वे इस्लाम धर्म अपनाकर अपनी कीमती जान बचा लें। भाई दयाला ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और ईश्वर के नाम का ध्यान करते रहे। गुरु जी अपने पिंजरे से अपने भक्त शिष्य को बहुत ही साहस और शांतिपूर्वक तरीके से अपनी जान देते हुए देख रहे थे। भाई दयाला को इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि अत्याचारी उन्हें किस तरह से मार रहे थे। भाई दयाला के शरीर पर फोड़े निकल आए और दर्शक सबसे अमानवीय दृश्य देखकर डर गए। लेकिन भाई जी के पास गुरु अर्जन साहिब जी की शहादत का नमूना था, जिन्हें सम्राट जहांगीर के आदेशों के तहत समान लेकिन अधिक बुरी तरह से पीड़ा सहनी पड़ी थी। हजारों दर्शकों की चौकस निगाहों के सामने, जिनमें से कई रो रहे थे, और अपने गुरु की कृपापूर्ण आंखों के सामने भाई दयाला की आत्मा ने अपना शरीर छोड़ दिया और गुरु और ईश्वर की कृपा प्राप्त की। भाई दयाला का साहस और सिख धर्म में उनकी आस्था और उनके विश्वास पर उनकी दृढ़ता आने वाली पीढ़ियों के लिए सिख युवाओं और अन्य लोगों को प्रेरित करती रहेगी।
इस प्रकार उन्होंने सिख विरासत को समृद्ध बनाने में अपने हिस्से से अधिक योगदान दिया। हमें सुनने के लिए अपना बहुमूल्य समय निकालने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अधिक वास्तविक तथ्यों और सिख इतिहास को सुनना जारी रखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।